गाइज, क्या होगा जब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के पीछे एक जेट इंजन लगा दिया जाए? क्या वो स्कूटर चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जेट इंजन को स्कूटर के पीछे अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, हमने जेट इंजन को स्कूटर के पीछे अटैच कर दिया है, लेकिन हमें इसको चलाने के लिए फ्यूल टैंक भी अटैच करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, हमने फ्यूल टैंक भी तैयार कर लिया है और इसको अटैच भी कर दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, स्कूटर के अंदर जितनी भी चीजें लगानी थी हमने सारी चीजें लगा दी है। तो चलो अब इस स्कूटर को चलाकर देखते हैं। आप देख सकते हैं, हमारा स्कूटर अब स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से किस तरीके से आग निकल रही है। तो चलो अब इसको चलाकर देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्कूटर चल रहा है और चलते हुए कितना अमेजिंग लग रहा है। स्कूटर जो है वो 50 से 60 की स्पीड में चल रहा है, क्योंकि इसका इंजन जो है वो काफी छोटा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।